रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। ब्रदर, भाव, भैया, दादा और फिर कभी कभी गलती से डॉक्टर। बहुत सारे नामों से बुलाते हैं राकेश को इस हॉस्पिटल में। 2 हफ्तों से कोरोना वायरस के जिस वार्ड में वो ड्यूटी कर रहा था, आज वहीं एक बेड पर पेशेंट बनकर लेटा हुआ है। कुछ दिन पहले जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो एक्चुअली डरने दुखी होने की बजाय खुश हो गया, मानो शांति पड़ गई हो। क्योंकि वैसे तो राकेश के घर सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं, पर उसकी जो पार्टनर है ना, वो स्पेशल है। उनके घुटनों में ना थोड़ी तकलीफ रहती है। हाँ, दूसरी वो मेंबर हैं राकेश की प्यारी दादी, जिन्हें प्यार से वो बड़ी मम्मी बुलाता है। पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल की ड्यूटी करके जब भी राकेश घर जाता था तो बड़ी मम्मी की चिंता ही लगी रहती थी। अपने छोटे से 1 रूम किचन में सोशल डिस्टेंसिंग करे भी तो कैसे। ये कोरोना भी ना अमीरों का वायरस है। इसने ये सोचा ही नहीं कि बड़े शहरों के छोटे कमरों में रहने वाले इतने सारे लोग क्वारंटीनिंग और डिस्टेंसिंग चाहें भी तो करें कैसे। बाहर निकलें तो डंडे पड़ेंगे, सो अलग। ऐसे में जब राकेश को गले में दर्द और तेज बुखार हुआ तो उसने हॉस्पिटल में ही रहकर टेस्ट करवाया। पॉजिटिव आने पर वो एक्चुअली रिलीव था। अब कम से कम बड़ी मम्मी तो बची रहेंगी। उसने उनका भी टेस्ट करवाया था जो कि नेगेटिव आया। थैंक गॉड, राकेश की जान में जान आई। बड़ी मम्मी से फोन पर ही उसने कहा, प्लीज आप अपनी दवाइयां लेती रहना और बाहर बिल्कुल मत जाना। कुछ चाहिए हो तो साथ वाले नवीन को फोन पर बता देना, वो लाके दे देगा। राकेश अब बहुत वीक फील कर रहा था और उसके बाद कुछ दिनों तक वो पूरी तरह से इस वायरस की चपेट में था। इतनी परेशानी में सिर्फ एक इंसान की याद राकेश को स्ट्रांग बने रहने को कहती थी, उसकी बड़ी मम्मी। राकेश बहुत छोटा था जब उसकी माँ ने उसे दादा दादी के साथ गांव से शहर भेज दिया। उसकी 2 छोटी बहनों से बिछड़ने का दिन आज तक याद है उसे। जब शहर आया तो घर के नाम पर ऑलमोस्ट कुछ नहीं था। फिर भी कुछ दिनों और फिर सालों में एक छोटे से लैंप और कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ पढ़ कर वो अपनी फैमिली का सबसे होनहार बच्चा बन गया था। बड़े हॉस्पिटल में मेल नर्स यानी ब्रदर का काम मिलने पर उसने एक अच्छी जगह किराए पर घर ले लिया। छोटा पर काफी उनकी 2 मेंबर टीम के लिए। बहुत मेहनत की थी उसकी दादी ने ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके, पर आज अनफॉर्चुनेटली उसी पढ़ाई और पेशे की वजह से वो एक COVID-19 पेशेंट बन गया। खैर, कुछ दिन बाद जब राकेश की थोड़ी एनर्जी वापस आई तो उसने आसपास क्या हो रहा है देखने के लिए गर्दन घुमाई। अपने बेड के पीछे की खिड़की से आती हुई धूप बहुत अच्छी लग रही थी। अब फिर लेफ्ट पर देखा तो साथ वाले बेड पर भी लगभग उसी की उम्र का एक और लड़का बीमार बेसुध पड़ा था। राकेश ने पता किया तो मालूम पड़ा वो एक फैक्ट्री वर्कर है और कोविड पॉजिटिव भी। नाम विकी। अगले ही दिन विकी थोड़ा थोड़ा ही सही पर बेटर होता दिख रहा था। राकेश ने जैसे ही आई कॉन्टेक्ट बनाया वैसे ही विकी से पूछ लिया, ए, मोबाइल पर लूडो खेलोगे? विकी ने हल्की सी स्माइल दी और दूसरी तरफ करवट करके सो गया। अगले दिन जब विकी थोड़ा बात करने लगा तो बताया कि कैसे उसे ठीक होने की बहुत जल्दी है। अनलाइक राकेश, उसकी तनख्वाह हर दिन के काम से मिलती थी। विकी के माँ बाप को कौन देखेगा वरना। कपड़े दवाइयां तो छोड़ो, खाना भी मुश्किल से ही हो पा रहा होगा उसके पैसे के बिना। राकेश दूसरी तरफ से ये सोच रहा था कि कम से कम विकी के माँ बाप गरीब ही सही पर उसको अपने साथ तो रखते थे, खुशकिस्मत है वो। ये सब बातें चल ही रही थी कि बड़ी मम्मी का फोन आया। कैसा है मेरा बेटा, मन नहीं लग रहा तेरे बिना। राकेश का मन भराया, बोला, आपके बिना कहाँ चैन मिल रहा है मुझे बड़ी मम्मी। आपके हाथ की छौंक वाली दाल और बैंगन की सब्जी सबसे पहले आके खाऊंगा। हाँ हाँ, बड़ी मम्मी बोली, पहले अपनी दवाइयां ठीक से खा। साथ वाले बेड पर विकी ये सब सुन रहा था। पूछने लगा, राकेश कहाँ रहता है? चांस से दोनों के घर काफी पास पास में ही थे।
विकी ने फिर अपने क्रैक्ड स्क्रीन वाले फोन की तरफ देखा और तकिए के नीचे दबा दिया। उसको कोई कॉल नहीं आ रहा था। राकेश ने पूछा तो बोला फोन में बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से बात नहीं हो पा रही मम्मी पापा से। राकेश ने अपना फोन ऑफर कर दिया तो बोला माँ बाबूजी के पास भी फोन में पैसे कहाँ होंगे। सुबह सुबह ये बात हुई और दोपहर को तकरीबन 3 बजे राकेश का फोन बजा तो उसने फोन सीधा विकी को पकड़ा दिया। विकी हैरान था, भैया मुझे क्यों दे रहे हो? राकेश ने कहा, अरे उठाओ तो भाई फोन। फोन को कान पे लगाया तो दूसरी तरफ थी विक्की की अम्मा। अम्मा हम ठीक हैं, और आप और बाऊजी खाना खाए क्या? दूसरी तरफ से अम्मा कुछ बोल रही थी तो इस तरफ से विक्की की आंखों में आंसू थे। आटा चावल चाय पत्ती जे कौन ला दिए? नवीन हमारे साथ वाले का दोस्त। सुनते ही विकी ने राकेश की तरफ देखा। राकेश के कहने पर उसके पड़ोसी नवीन ने लॉकडाउन की छूट के समय में हफ्ते भर का राशन विकी के घर पहुंचा दिया था और फटाफट से उसके माँ बाप से उसकी बात भी करवा दी। विकी के चेहरे से टेंशन अब हटती नजर आ रही थी, आवाज में थोड़ी खुशी थी। हाँ हाँ बाऊजी, बहुत ध्यान दे रहे हैं हमारा हॉस्पिटल वाले, और जिनने भिजवाया है ये सब वो इस हॉस्पिटल में ही काम करते हैं राकेश भैया। हाँ हाँ क्यों नहीं बोलेंगे। अम्मा बाऊजी से बात करके विक्की ने अपने बेड से ही राकेश की तरफ हाथ जोड़ दिए और बोला, भैया बहुत बड़ा वाला थैंक यू, दुआएं लगेंगी आपको। शायद उन दुआओं का ही असर था कि राकेश ठीक फील करने लगा और विकी के साथ लूडो खेलते खेलते 3 दिन निकल गए और टेस्ट की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। डिस्चार्ज होते वक्त विकी को दूर से बाय बोलते हुए राकेश ने कहा, विकी भैया तुम जरा भी टेंशन मत लेना, अपनी बड़ी मम्मी के साथ साथ अम्मा बाऊजी का भी ध्यान रखूंगा, ठीक होकर आओ तो फोन जरूर करना। कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की परेशानी में शुक्र है एक चीज जो पॉजिटिव हुई वो है राकेश और विकी की लॉकडाउन दोस्ती, जो अब हॉस्पिटल से निकलकर दोनों के दिलों में हमेशा रहेगी। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते।